आज के समय में जो गूगल है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग यूट्यूब सर्च करते हैं, फेसबुक सर्च करते हैं, एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। आपको पता है एक ऐसा समय था जब गूगल को अपना सर्च इंजन बेचना पड़ा था, लेकिन कुछ ऐसा उसके साथ हो गया कि वो उसको बेच ही नहीं पाया। अगर वो उस समय अगर अपना वो सर्च इंजन बेच चुका होता तो शायद ही आज गूगल इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता सर्च इंजन का। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि गूगल अपना सर्च इंजन बेचने पे आ गया था। दोस्तों ये बात है 1998 की, जब लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन अपने पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हो चुके थे। उन लोग की एग्ज़ाम को आने में बस कुछ ही समय बाकी थी, वो लोग ठीक से अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। उन लोगों ने सोचा कि हम लोग से ठीक से तो कंपनी चल नहीं पा रहा है, कंपनी में शायद हल्का हल्का लॉस भी हो रहा है, तो चल के हम लोग इस कंपनी को भी बड़े से कंपनी को बेच देंगे। उन लोगों ने बहुत कुछ फेस किया, देखा कि कौन कंपनी को खरीदेगा। उन लोगों ने अपनी कंपनी को याहू के पास दे गया, आज हम इस कंपनी को $1 million में बेचेंगे। लेकिन याहू ने कदम घुसते हुए कह दिया, हम लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। अब लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन को थोड़ा सेम सा फील हुआ, थोड़ा उदास हो गया। अब वो लोग अपने कंपनी में जुट चुके थे, दिन रात एक करके उन लोगों ने कंपनी को इतना बिल्डअप कर दिया कि शायद ही आज के समय में कोई कंपनी इतना बड़ा हो। दोस्तों आज अगर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने अगर याहू को बेच दिया होगा तो शायद ही गूगल आज से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी